हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वो अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित भी। आज हम कुछ बात करेंगे अपने हैंगिंग प्लांटर्स के बारे में, मैंने उसमें कौन कौन से प्लांट्स लगाए हुए हैं वो मैं आज आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए फ्रेंड्स, फिर हम बढ़ते हैं आगे और ये है मेरा पहला प्लांट अजवाइन वाला कैरम। ये देखिए कितने अच्छे से चल रहा है ये हैंगिंग में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे हैंगिंग में ज़्यादातर बहुत हार्डी प्लांट्स लगे हुए हैं जिनकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है और आराम से ग्रो होते रहते हैं, बस एक बार लग जाएं। तो ये था पहला प्लांट मेरा। और दूसरे नंबर पे लगा हुआ है ये बेबी सनरोज। ये देखिए, ये लास्ट ईयर बिल्कुल ख़त्म हो गया था वाइट वॉश में, और फिर अभी मैंने इसकी कटिंग फैब में लगाई थी, तो अब ये देखिए अच्छे से ग्रो हो गया है। एक बास्केट में और लगाई थी पर उसमें चलने के बाद ख़त्म हो गया, ये अच्छी बास्केट भर गई है। तो सेकंड प्लांट है मेरा ये बेबी सनरोज। और थर्ड ये रियो का प्लांट है, और ये भी मैंने अभी एक नया बास्केट में लगाया है। इससे पहले ये एक सिरेमिक पॉट में लगा हुआ है जो पूरा भर गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे। ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट है और बिना मेंटेनेंस के चलता है ये। और नेक्स्ट है ये सबकी प्यारी टर्टल वाइन, जो एक बार आ जाए घर में तो जाए नहीं, और इतनी हरियाली फैलाती है कि बस मन बाग बाग हो जाता है देख के। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है सारे हैंगिंग प्लांटर्स में यही लगा देनी चाहिए, ग्रीनरी दिखती है। और ये भी बहुत इजी टू ग्रो, जहाँ कहीं एक टुकड़ा भी गिर जाए वो पूरे गमले को कैप्चर कर लेता है, पूरा पॉट भर जाता है उससे। और फिर नेक्स्ट है ये बेबी टीयर्स, ये मैंने फर्स्ट टाइम लगाया था फैब में लाके, और देखिए ये भी ठीक ही चल रहा है। और बहुत ज़्यादा केयर तो नहीं हुई है इस बार प्लांट्स की, लेकिन फिर भी उस हिसाब से ठीक चल रहे हैं। और इनके साथ ये भी कोई ग्रो हो गए हैं जो अच्छे से चल रहे हैं। इसमें कभी कभी बीच में फ्लावरिंग देखने को मिल जाती है जो साथ में है। और अब की सोच रहे हैं कि बेबी टीयर्स की भी कटिंग और लगाएंगे और पॉट बनाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी ये टर्टल वाइन कहीं से कूद के आ गई है और हो गई। अच्छा, अगला प्लांट है ये मेरा पर्पल हार्ट, ये भी बहुत अच्छा प्लांट है और बहुत प्यारे इसमें फ्लावरिंग होती है, और ये भी बहुत कम मेंटेनेंस में चल जाता है। और ये भी इतना नाजुक है कि कहीं भी तेज हवा से आपस में टकराती हैं ये पॉट्स, तो इनकी ये टूट के गिर जाती हैं, और इनको फिर कहीं भी लगा दीजिए आप, ये आराम से ग्रो हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो मैंने आपको बोला था कि एक पॉट में और मैंने लगाया था बेबी सनरोज, ये उसका पॉट है, और देखिए ये थोड़ा ऐसे ग्रो हो रहा है। फिर नेक्स्ट आ जाती है टर्टल वाइन, और ये बहुत अच्छे से बढ़ती है बिना किसी केयर के। और फिर नेक्स्ट पॉट है ये मेरा, कहते हैं इसको अरेबियन वैक्स। इधर से फ्रेंड्स लाइट थोड़ी कम आती है ऊपर, क्योंकि ग्रीन नेट है और सन अभी इधर को निकल के नहीं आया, और आ जाएगा तो फिर तो ट्रैफिक का बहुत शोर होगा। बहुत मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ ये, तो हो सकता है कुछ क्लियर ना दिखे। ये है अरेबियन वैक्स, ये भी बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट, और ये मैंने लीव से कई बार ग्रो किया है, कई जगह ग्रो किया है, और वेस्ट मटेरियल में भी चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है।
इसको आप लगाइए, बहुत अच्छा प्लांट है। नेक्स्ट है वॉन्डरिंग ज्यू, जिसका कि जगह के हिसाब से कलर बदल जाता है। शेड एरी, शेडी एरिया में अगर आपकी बास्केट है तो इनकी लीव्स के कलर कुछ और होंगे, और सनी एरिया में है तो कुछ और। मेरी तो एक फ्रेंड आई थी तो मानने को तैयार नहीं थी, एक बास्केट सनी एरिया में थी और एक शेडी में, दोनों के बोले नहीं अलग वैरायटी दे रहे हो आप, जो मैं मांग रही हूँ वो नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा एक ही है, आप इसको रख के देखिएगा दो जगह लगा के, फिर आपको पता चलेगा। तो बहुत खूबसूरत प्लांट, बहुत सुंदर वेरिएशन इसमें, बहुत इजी ग्रोइंग। ये भी मेरा विंटर्स में ख़त्म हो गया था पूरा, और अब दोबारा से ग्रो कर रहा है, बास्केट ठीक हो रही है। और बहुत ही खूबसूरत बास्केट ये अगली फॉक्सटेल फर्न, पूरी भरी हुई और बहुत लश ग्रीन, बहुत ही खूबसूरत प्लांट। हालांकि काफी टाइम लगा इस बास्केट को भरने में, पर बहुत खूबसूरत भर गई है और बहुत ही सुंदर दिखती है ये। और ये भी डिवाइड करके लग जाती है, पर इस बास्केट को मैं अभी छेड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैं दोबारा और लाऊंगी और लगाऊंगी इसको भी किसी और में। तो फ्रेंड्स, ये तो थी मेरी नीचे की बास्केट्स कुछ, और कुछ वेस्ट मटेरियल में भी लगा हुआ है, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट है ये मेरा मनी प्लांट, जो ये थोड़ा ऊपर वरांडे में लगी हुई है बास्केट, और ये भी देखिए बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। नेक्स्ट है ये मेरा मनी प्लांट, जो ये थोड़ा ऊपर वरांडे में लगी हुई है बास्केट, और ये भी देखिए बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। और इसके साथ साथ ये नीचे भी एक पॉट में लगा हुआ है, और ये पूरा ऐसे करके ऊपर जा रहा है, ये बास्केट में और फिर ये ऊपर ये वरांडे में भी, मैंने ऐसे घुमा दिया इसको, तो ये भी खूब अच्छे से ग्रो करता है। और ये है स्पाइडर प्लांट, ये मैंने अभी नया ही लगाया था, इसका ये स्पाइडर लटक रहा है अभी, और बहुत अच्छी ग्रोथ तो नहीं है अभी इसमें, लेकिन हाँ। अगली बास्केट फिर मनी प्लांट की है, और ये भी देखिए काफी बड़ा हो गया है। फिर नेक्स्ट ये रिबन ग्रास है, जो मैंने आपके साथ शॉपिंग में शेयर की थी, वो मैंने इसमें लगा दी है। और नेक्स्ट फिर ये वॉन्डरिंग ज्यू और पर्पल हार्ट, दोनों सेम बास्केट में लगे हुए हैं। ये है मेरी कुछ हैंगिंग बास्केट्स। देखिए इस बास्केट में ये लगी हुई है ये टेंगल हार्ट, और ये भी काफ़ी लंबी हो गई थी ट्रेल करके, और एक साइड से ड्राई हो गई थी विंटर्स में, तो वो मैंने काट के फेंक दी है। ये देखिए इसका थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है आपको, और अभी ये खूब अच्छी हो रही है। ये है मेरे कुछ हैंगिंग के प्लांटर्स, और देखिए ये अलमंडा मेरा ऊपर रखा था टेरेस पे, लेकिन इसके जो फ्लावरिंग थी वो फूल खिलने से पहले फेड हो जा रहे थे, फिर मैं इसको ऊपर ले आई हूँ। देखिए बड़ा प्यारा सा इसका कलर है, और ढेर सारी बर्ड्स भी हैं इस पे, ये देखिए ऊपर इनको मंकीज भी नहीं छोड़ते हैं, तोड़ देते हैं, लास्ट ईयर खिलने ही नहीं दिया था, इसलिए मैं इस बार इसको नीचे ले आई। वेस्ट मटेरियल में मेरी ये टेंगल हार्ट लगा हुआ है, और इसकी बास्केट ऊपर टेरेस पे लगी हुई है। इसके साथ मैंने ये कुछ पर्सलिन की कटिंग किसी ने दी थी वाइट कलर की, वो लगा दी थी। हालांकि यहाँ थोड़ी सनलाइट कम है तो फ्लावरिंग नहीं हुई, बट ये ट्रेल कर रही है तो अच्छी लग रही है, और टेंगल हार्ट इसमें खूब अच्छे से हो रहा है। और अगले वेस्ट मटेरियल में ये सीडम, और ये देखिए अब इसको भी मैं बास्केट में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, तो मैंने कहीं और भी लगाया हुआ है, उसको बास्केट में शिफ्ट करूँगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
ये जेड प्लांट की बास्केट जो लास्ट ईयर बिल्कुल ख़राब हो गई थी दोनों, पर इस बार ये ठीक हो गई हैं। और ये वाइट पर्सलेन और इसके साथ मिक्स एंड मैच करके मैंने येलो हाइब्रिड वाला भी मॉस रोज लगाई हुई थी। देखिए इसका एक फ्लावर शायद आपको दिख जाए, आज इस पर फ्लावरिंग कम हुई है, कटिंग करूँगी तो फिर इसमें और बड्स आएंगी। एक ही लास्ट ईयर का ही इसमें पर्सलेन लगा हुआ है, साथ में मॉस रोज भी। एक बास्केट ये है, एक ये जेड की, और अभी कुछ बास्केट्स मेरी खाली पड़ी हुई हैं और मैंने आपको शॉपिंग में दिखाया था कुछ बास्केट में लगाने को प्लांट्स लाई थी, वो अभी रिपोर्ट नहीं कर पाई हूँ, जिसमें फर्न और लाल बादशाह और एक और जिसका नाम मेरे को नहीं मालूम। बस फ्रेंड्स यही मैं आपको बताना चाह रही थी, अपनी हैंगिंग बास्केट्स दिखाना चाहती थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो DIY की है, जो अभी पूरी नहीं हो पाई इसलिए बीच में मैंने ये डाल दी। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।